चलो फ्रेंड्स, नाउ द फ्रेंड्स द टॉपिक इज द फर्स्ट इज हाउ टू क्लासिफाई. सो वी हैव थ्री अकाउंट्स आर देयर, तीन अकाउंट है हमारे पास, राइट. वी नो फर्स्ट अकाउंट जो है, द फर्स्ट अकाउंट इज नोन एज विच वन, पर्सनल अकाउंट. इस पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, राइट. इस पर्सनल अकाउंट में आता है नेम ऑफ पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन, किसी का नाम या इंस्टीट्यूशन. सेकंड जो है वो है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में आता है एसेट. एसेट मतलब मिल्कत, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब किसमें आता है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट. तीसरा जो है और फाइनल जो है वो है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब होता है एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स. एक्सपेंसेस या फिर इनकम, राइट. अब जरा देखते हैं एक्सपेंसेस का मतलब क्या क्या होता है. डिस्काउंट, कमीशन, राइट, ये सब होता है. इनकम भी हम बोल सकते हैं कि ये भी इनकम जैसा आता है, ठीक है. तो अभी जो मैं आपको एक सम में लेके जा रहा हूं, तो मैं आपको पहले क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा बोलने के लिए, ठीक है. शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, पहला जो चीज है वो है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट. अब आपको मन में बोलना है, बोलो ये क्या है, नाम है कि नहीं, तो ये किस में जाएगा, पर्सनल. क्लियर. कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट. कैश अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, एसेट. अगर एसेट है, एसेट है तो किस में लेके जाएंगे, रियल, राइट. यहाँ पे देखो ड्रॉइंग्स, ये नया वर्ड है, जो भी नया होता है ना मैं उसको ब्रैकेट करूंगा, ध्यान रखना. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का डेफिनेशन सुन लेते हैं. द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज. तो कौन विड्रॉ कर रहा है, ऑनर. हु इज विड्रॉइंग, ऑनर. ऑनर अगर विड्रॉ करे, मालिक आ गया, तो क्या लिखेंगे, पर्सनल, राइट. डोनेशन, डोनेशन क्या है, खर्चा. मैं सामने वाले को गुड्स दूंगा, खर्चा, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस. एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, नॉमिनल, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. मशीनरी अकाउंट फ्रेंड्स, मशीनरी. मशीनरी क्या है मेरे लिए, अब एसेट. मशीनरी क्या है मेरे लिए, एसेट. अगर एसेट है तो मैं क्या बोलूंगा, रियल. लैंड, लैंड मेरे लिए क्या है, एसेट. एसेट है तो क्या बोलूंगा, रियल, ठीक है. पहले 10 करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है. राज मेडिकल स्टोर, नाम देखो, राज मेडिकल स्टोर नाम है. नाम है तो मुझे बहुत इजी लगता है, क्या नाम लिखूंगा, पर्सनल, ठीक है. मुझे दो तीन बच्चों ने पूछा, जयदीप और दो तीन बच्चों ने पूछा था कि सर इसमें बहुत डाउट है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ, बहुत इजी है, कुछ है नहीं. सैलरी, सैलरी आपको ये समझना है कि है क्या. सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस. अगर एक्सपेंस आ गया तो मेरा काम इजी. एक्सपेंस है तो किसमें लेके जाऊंगा, नॉमिनल, सही है. कैरेज इनवर्ड, अब पहले समझना है कि कैरेज इनवर्ड होता क्या. आपने ट्रक देखा होगा, बराबर, ट्रक में देखा होगा कि ट्रक के ऊपर एक लिखा होता है गुड्स कैरेज, लिखा होता है गुड्स कैरेज, मतलब सामान ढोने वाली गाड़ी. तो ट्रक पे सामान आएगा, ट्रेन पे सामान आएगा, शिप में सामान आएगा, तो भाड़ा तो लेगा कि नहीं, भाड़ा लेगा तो क्या होगा. अगर मैंने सामान राजस्थान से मंगाया है तो मुझे खर्चा तो देना पड़ेगा ना. एक्सपेंस है मेरे लिए, अब जरा सोचो एक्सपेंस है तो क्या लिखूंगा, नॉमिनल, सही है. फर्नीचर, फर्नीचर सामान जो मैं खरीद रहा हूं वो मेरे लिए क्या है, एसेट. एसेट है तो क्या लिखूंगा मैं,
रियल अकाउंट, एसेट है तो क्या लिखूंगा मैं, रियल अकाउंट। चलो तो 10 पॉइंट हो गए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा अपने टेस्ट ले लेते हैं तो आइडिया रहेगा कि भाई आ रहा है कि डाउट है कि नहीं सब, ठीक है। चलो अब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। चलो नंबर वन जयदीप। यस सर। सिक्स्थ वन लैंड अकाउंट, एसेट है रियल अकाउंट। वेरी फाइन आशा। फिफ्थ वन मशीनरी, एसेट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ओके। अब है फर्स्ट वन, अब है फर्स्ट वन नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तन्मय। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एसेट। एसेट ध्रुव अग्रवाल। नाइन्थ वन कैरेज इनवर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आयुष। ड्रॉइंग्स अकाउंट, मैंने इसको स्टार किया था याद है, अलग है ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वेरी फाइन। अमृता। यस सर। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट स्वयं। यस सर। राज मेडिकल स्टोर अकाउंट, राज मेडिकल पर्सनल पर्सनल ओके। प्रेक्षय सैलरी अकाउंट, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट राज अग्रवाल। डोनेशन, डोनेशन रियल, रियल डोनेशन। सोच डोनेशन, अगर तू तेरे घर सोसाइटी के लोगों को डोनेशन दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो सोच क्या होगा। नॉमिनल हाँ, एक्सपेंस होगा कि नहीं। चलो वेरी फाइन। तो फ्रेंड्स 10 तक हुए हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड में फर्क कितना है। इनवर्ड मतलब सामान अंदर आता है और आउटवर्ड मतलब सामान बाहर जाता है। जैसे कि आप कोई बड़े शोरूम में गए, क्रोमा में गए, राइट, तो वहां से सामान आपके घर तक डिलीवरी होता है, तो उनके लिए क्या है ये खर्चा, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो किसमें लिखेंगे, नॉमिनल। अब मैं एक एक वर्ड ही लिख रहा हूँ। स्टेशनरी ध्यान रखना, स्टेशनरी क्या है, अकाउंट है। स्टेशनरी क्या है, अकाउंट है। अकाउंट बोला हुआ है आपसे, ऐसा नहीं बोला कि स्टेशनरी एक्सपेंस है, अकाउंट है। अकाउंट मतलब मैंने स्टेशनरी का सामान खरीद के मेरे पास रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है मतलब फ्रेंड्स क्या है ये मेरे लिए एसेट। एसेट किसमें जाएगा, रियल। एसेट किसमें लेके जाऊंगा मैं, रियल। वेजेस, वेजेस फ्रेंड्स क्या होता है मेरे लिए, नॉमिनल। खर्चा है मेरे लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस किसमें लिखूंगा, नॉमिनल। कॉपी मैं बाद में बताऊंगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, ये कोई कॉपी नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग अपना कॉपीराइट करते हैं, लेखक लोग होते हैं ना उससे। तो फिलहाल ये मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट किसमें जाएगा, रियल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला मुझे, मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, मेरे लिए इनकम। इनकम किस में लेके जाऊंगा, नॉमिनल। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक नाम है, नाम है तो किस में जाएगा, पर्सनल। रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट मैंने भाड़ा दिया, भाड़ा दिया तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में जाएगा, नॉमिनल। रिलायंस का क्या खरीदा मैंने, शेयर खरीदा। बराबर ध्यान रखना, रिलायंस सुनने में नाम लगता है, नाम है सही है, लेकिन क्या खरीदा मैंने, शेयर। शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाए मैंने, इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, मेरे लिए ये क्या है, एसेट। ये ध्यान रखना है, अलग हो गया रिलायंस ना, ही नहीं है रिलायंस, शेयर, रिलायंस शेयर एसेट, रियल। डिस्काउंट रिसीव्ड, मिला मुझे डिस्काउंट मिला। इनकम, इनकम है तो किसमें, नॉमिनल। अहमदाबाद ब्रांच, नाम है अहमदाबाद ब्रांच, किसमें जाएगा, पर्सनल। ओके
चलो तो वापस एक बार देख लेते हैं। चलो बोलो सर। हाँ बोलो सर, टेक्स्ट बुक में 12th वाला नॉमिनल दिया है। 12th में नॉमिनल है क्या? शायद कुछ मिस्टेक हुआ में। चलो अपने भी नॉमिनल ही करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली वहां रियल आना चाहिए। चलो नो प्रॉब्लम सर। सर हाँ बोलो सर, रिलायंस शेयर अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट आएगा ना? नहीं नहीं, रिलायंस का तू शेयर खरीद रहा है, तेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है ना तेरा, तू शेयर खरीदेगा। जैसे कि मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मेरे लिए क्या है? पर सर वो इनविजिबल है ना, विजिबल चीज रियल अकाउंट में आता है। शेयर किसने बोला इनविजिबल है? 100% विजिबल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते हैं सब कुछ, उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते हैं हमारे पास, फिजिकल भी आते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी आते हैं। पहले के जमाने में फिजिकल आते थे, अभी सॉफ्ट कॉपी में आते हैं, अभी सब मोबाइल से होता है, नेट से होता है। इसलिए हम डायरेक्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमने खरीद लिया तो हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, वो हमको इसका एक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं जो ऑनलाइन हमारे अकाउंट में आता है, और उसके लिए होता है डीमैट अकाउंट करके आता है, डीमैट अकाउंट, राइट। लेकिन शेयर्स है ना, अब शेयर एसेट होता है मेरे, मैं अगर पैसा लगाऊंगा शेयर पे तो मेरे लिए क्या होगा, पैसे लगे मेरे लिए एसेट ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो बोलो अन्नपूर्णा, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलो नेक्स्ट कीर्ति। यस सर। स्टेशनरी, स्टेशनरी, नॉमिनल अकाउंट, ओके नॉमिनल। चलो फिर दीपक, अहमदाबाद ब्रांच, आवाज नहीं आ रहा है दीपक, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आशीष प्रजापति, रिलायंस शेयर, रिलायंस शेयर, यस सर, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओके। रिचा भूमिया, कॉपीराइट, एसेट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट वन सिद्धार्थ, जैन सिद्धार्थ, यस सर, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बेटा एक्सपेंस है, ये मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल। हार्दिक चौहान, वेजेस अकाउंट, वेजेस, हार्दिक वेजेस अकाउंट, तुम अलग पोजीशन में बैठे हो। ऋषि, वेजेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभय, अभय, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभय, यस सर, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, जल्दी बोलो टाइम नहीं है अपने पास, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। जय पटेल, रेंट पेड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। केसर, डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। प्रीत, बैड डेब्ट अकाउंट, सर नॉमिनल, नॉमिनल, ओके। दिया मिस्त्री, दिया म्यूट कर दो, दिया म्यूट कर दो, दिया म्यूट कर दो। महक, यस, हाँ ये 21 ट्राई करो बेटा, 21। बैड डेब्ट अकाउंट, नॉमिनल। बैड डेब्ट मतलब जो पैसा हमें नहीं मिलता, बराबर ध्यान रखना है, बैड डेब्ट मतलब जो पैसा हमें डेटर्स के पास से नहीं मिलता, डेटर के पास से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, और लॉस किसमें जाएगा, नॉमिनल, ठीक है। कर्णावती क्लब, कर्णावती क्लब नाम है, नाम किसमें जाएगा, पर्सनल, डेटर, डेटर, ठीक है, पूछूंगा मैं अभी,
डेटर मतलब जिसके पास से हमें पैसे लेने हैं। सबका ध्यान इधर उधर इधर भटकता रहता है तुम्हारा, पूरा ध्यान यहाँ पे दो और वीडियो चालू रखो तभी पता चलेगा ना ध्यान देते हो कि नहीं। चलो, डेटर्स जिसके पास से हमें पैसे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स। किसके पास से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से मिलता है, पर्सनल। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, मेरे गुड्स गए मैंने सैंपल में दिया, मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, किसमें जाएगा, नॉमिनल। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स मुझे किसी को पैसे देने हैं, डेटर्स मतलब मुझे किसी के पास से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं, ये भी किसमें जाएगा, पर्सनल। फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, नामी है एक्सपेंस, एक्सपेंस किसमें जाएगा, नॉमिनल। नीलम बैन नाम है, नाम किसमें जाएगा, पर्सनल। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ये किसमें जाएगा, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो एसेट खरीदते हैं ना उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है। गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, नाम है पर्सनल। बैंक इंटरेस्ट, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, इनकम है, इनकम है तो क्या आएगा, नॉमिनल। ठीक है, चलो। हेलो सर, सर हाँ बोलो सर। 25th क्रेडिटर अकाउंट, हमको किसी को पैसे देने, वो तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस में आना चाहिए। नहीं नहीं देख, एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस मतलब जिसका तुझे फायदा होता है, जैसे कि तूने किसी को सैलरी दिया, बराबर। सैलरी अगर देगा तो एक्सपेंस होगा कि नहीं, हाँ हुआ, हाँ हुआ, लेकिन तुझे फायदा भी तो हुआ, उसके पास से काम लिया ना तूने, ठीक है। अब क्रेडिटर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर मतलब जो बंदा आपको सामान सप्लाई करता है, जो आपको गुड्स सप्लाई करता है। अब सामान तो उसने सप्लाई किया आपको, आपने इसे और किसी को बेच दिया आगे, लेकिन इसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना आपको, बराबर, इसीलिए उसको क्रेडिटर बोला जाता है। और किसको, किसी इंसान को देना है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को देना है, बराबर, इसलिए पर्सनल। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो रिया जैन। यस सर। डेटर्स, डेटर्स किस में जाएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्यों पर्सनल? सब मनी, मनी लेना है हमको उनसे। वेरी फाइन, वेरी फाइन। कोमल, बैड डेब। सर नॉमिनल। क्यों नॉमिनल? सर क्योंकि एक्सपेंस है। यस, एक्सपेंस नहीं, एक्चुअली लॉस है, हमको मिला ही नहीं पैसा, लॉस हो गया। चलो कृष्णा, कृष्णा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल भैया? सर सैंपल दिया तो उसमें एक्सपेंस हो जाएगा ना, वेरी खर्चा हो जाएगा। सैंपल देगा तो तेरे दुकान से स्टॉक कम होगा, नुकसान ही है ऑब्वियसली। हार्दिक चौहान, क्रेडिटर्स। हार्दिक चौहान, क्रेडिटर्स। हार्दिक आवाज क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्या कर रहा है तू वहां पे? हीर, तू वहां पे देख रहा है, तेरा कैमरा कहाँ है, क्या पता क्या कर रहा है। हीर, क्रेडिटर्स। यस सर। हाँ बोलो, क्रेडिटर्स। पर्सनल अकाउंट। यस, उसमें भी नाम आएगा, पर्सनल अकाउंट। केसर, डेप्रिसिएशन। यस सर। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ओके। रिनो, रिनो। गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ओके, वेरी फाइन। चलो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है कि किसे क्या कहना है सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 30 तक हो चुका है, 31 से रीड करेंगे, बराबर। चलो 31 अकाउंट, चलो स्टार्ट रीडिंग। अभय, यू कैन रीड 31। हेलो, हाँ रीड कर 31।
goods goods given for advertisement account. Yes, goods given for advertisement. Advertisement का मालूम मतलब है ना, हम advertisement के लिए अपना सामान दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? Expense. Expense है तो किसमें लिखेंगे? Nominal. 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 चलो continue तो ready करो. Dividend received. Dividend received account. Yes. Dividend मतलब सुन लेना बराबर. Next period में पूछूंगा. Dividend का मतलब क्या? The amount which is received on shares. याद है share खरीदे था, Reliance का share खरीदा था, right? तो उसके ऊपर जो income होता है ना, उसके ऊपर जो income होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Dividend. अगर मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, बैंक में पैसा रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. और अगर मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. ये याद रखिएगा, दोनों चीज एक ही होता है. हमारे लिए तो फायदा है, डबल फायदा है. तो ये हमारे लिए इनकम, और इनकम मतलब किसमें जाएगा फ्रेंड्स? नॉमिनल. नॉमिनल ठीक है. चल आगे. कमीशन रिसीव. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. वापस कमीशन रिसीव किसमें लिखूंगा? नॉमिनल है ना. गुडविल अकाउंट. गुडविल याद है क्या है? गुडविल इनटेंजिबल एसेट. एसेट है, किसमें जाएगा? रियल. गुडविल है ना, बिना गुडविल काम थोड़ी चलेगा. इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं है. चार चीज बिजनेस में ऐसे होते हैं दिखता नहीं. एक तो गुडविल, एक पैटर्न्ड, एक ट्रेडमार्क और एक कॉपीराइट. इसे मैं बताऊंगा एक एक करके. गुडविल मतलब देख, ए और बी की दुकान है. ए 20 साल से काम कर रहा है और बी 10 साल से काम कर रहा है. ए का सेल ज्यादा है, बी से ज्यादा है. क्या रीजन है भैया ए का सेल ज्यादा होने का? रीजन वही है कि ए को ज्यादा कस्टमर्स जानते हैं. तो ज्यादा कस्टमर्स, उसका लोकेशन, जो भी आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल है ना. मार्केट में देखो एक ही तरह की दुकान होते हैं, लेकिन कोई कोई दुकान वाले बहुत ज्यादा कमाते और कोई नहीं कमाते. उसका रीजन वही है कि उस दुकान का गुडविल बहुत ज्यादा है, उस नाम ज्यादा है, राइट. उसे हम कहते हैं गुडविल. ओके चलो. कमीशन अलाउड. कमीशन अलाउड. कमीशन वापस खर्चा है. नॉमिनल. बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल किसी बंदे के पास से हमें बिल लेना है तो इसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल. इसको दो नाम से भी पहचान सकते हैं आप. पर्सनल भी बोल सकते हैं, रियल भी बोल सकते हैं. दोनों राइट है, दोनों राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड लेकिन टैशू के पर्सनल लिखते हो. डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट मैंने दिया, मेरे लिए खर्चा है. नॉमिनल. स्टॉक. स्टॉक मतलब जो दुकान में मेरा सामान पड़ा है, मेरे लिए तो एसेट ही होगा ना. ये तो एसेट होगा तो क्या लिखेंगे? रियल. कैपिटल. कैपिटल का मतलब देखो, इसको ब्रैकेट करूंगा मैं. कैपिटल द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय द ओनर फॉर कमेंसिंग द बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लेकर आता है उसे मैं कैपिटल कहता हूँ. और बिजनेस में से अगर वो पैसा लेके जाता है, याद है लेके जाता है, ड्रॉइंग लेके जाता है, तो ड्रॉइंग. दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? ऑनर. ऑनर है तो कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल. कैपिटल और ड्रॉइंग में क्या कॉमन फैक्टर है? ऑनर. ऑनर है तो क्या आएगा? पर्सनल. परचेज. परचेज किया मैंने, एसेट परचेज किया मैंने, तो मेरे लिए क्या है? ये एसेट है. एसेट मतलब रियल. एसेट है मेरे लिए, क्या हुआ? रियल. ठीक है चलो. तो आई थिंक मैक्सिमम हो गया है, अब पूछने का टाइम आ गया है. चलो बोलो. जैन सिद्धार्थ. जैन सिद्धार्थ. सिद्धार्थ यस सर. हाँ. कैपिटल. कैपिटल अकाउंट. कैपिटल रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट. हाँ. कैपिटल किसमें जाएगा? पर्सनल. ओके. पर्सनल. पर्सनल. चलो. ऋषि. बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल. हाँ. बिल
सर पर्सनल अकाउंट हाँ पर्सनली बोल सकते हैं हम इसको ठीक है चलो आगे आशा कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल ओके आयुष आयुष प्रधानी नहीं आयुष गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट आयुष गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है हाँ 31 गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल दर्शित दर्शित गुडविल अकाउंट यस यस गुडविल एसेट रियल अकाउंट ओके फाइन अभी एक पेपर में भेज रहा हूँ आपको आपके मोबाइल पे बराबर ध्यान रखना दिस सैटरडे यू हैव अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर राइट सो आई एम सेंडिंग अ लिंक ऑन द मोबाइल उस पे आपको क्लिक करना है और टेस्ट सबमिट करना है एक ही बार सबमिट कर सकते हो टोटल 10 क्वेश्चन ठीक है चलो